शहर में अंकिता चलित कांड के बाद शहर पुलिस थानेदार सतवीर बंडीवार, इन्होंने एक पत्रकार परिषद के दरमियान शहर में कुछ ही दिनों में होने वाले सुधार और हिंगनघाट पुलिस द्वारा जो उचित कदम उठाने जाने वाले हैं उसकी जानकारी दी। शहर में लड़के लड़कियों द्वारा समय के साथ जो वातावरण निर्मिति मजनूगिरी जो दिखी जा रही है उसे लगाम लगाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें उन्होंने पालक लोगों को भी जवाबदारी पूर्ण भूमिका निभाने का और सहयोग करने का आह्वान किया। उसके साथ ही सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूल प्रशासन, कॉलेज, निजी ट्यूशन संस्था, इनका भी सहयोग अवश्य होगा। आज की पीढ़ी में जो वातावरण निर्माण हो रहा है वो बहुत ही भयानक प्रकार का हो रहा है। परिस्थिति की गंभीरता को समझ हिंगनघाट के बड़ी घटना होने के पहले हिंगनघाट पुलिस द्वारा पुलिस दीदी और पुलिस दादा पथक बनाया गया। इस पथक में शामिल कर्मचारियों के मोबाइल नंबर सोशल मीडिया और अन्य माध्यम द्वारा जनता की सुविधा के लिए प्रसारित किए गए। पालकों ने अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देना जरूरी है। अपना बच्चा कहाँ जाता है, उसके दोस्त कौन है, यह अपना बच्चा स्कूल ट्यूशन जाता है कि नहीं, 12 से 18 यह उम्र में पालकों ने अपने बच्चों से अच्छा संवाद जारी करना है। बच्चों को समय देना पालकों का कर्तव्य है। किसी पालकों को कुछ भी दिक्कत हो, आपके पाल्य को कोई असामाजिक कृत्य तकलीफ दे रहे हो तो भयभीत ना हो, बेझिझक हिंगनघाट पुलिस से संपर्क करने का आह्वान पत्र परिषद के दौरान थानेदार सतवीर बंडीवार इन्होंने किया है। साथ ही बंडीवार इन्होंने कहा पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा, एक विशेष पथक भी पुलिस द्वारा बनाया गया है। साथ ही जनता को संदेश देते हुए थानेदार बंडीवार ने कहा कि हिंगनघाट पुलिस द्वारा परिपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। समय रहते परिस्थिति में सुधार होने की बात भी कही गई। अनुसंधान इतर एक भाग होता है, ट्यूशनच्या लागे, शाळेच्या लागे त्यांचे जे संबंध वाढलेले असतात याची कल्पना पोलिसांपर्यंत सरकार गरजेचं आहे। यामध्ये पालकांचीही भूमिका खूप महत्त्वाची आहे। आपल्या मुलांची मुलींची मैत्री कोणत्या मुलांसोबत आहे, मुलींसोबत आहे, आणि याच्यावर आपण लक्ष दिलं पाहिजे, याची जाणीव दिलं पाहिजे। कदाचित एखाद्या वेळेस पालक या बाबतीत सक्षम नसतीलच, त्यांच्या बॅकग्राऊंडमुळे ते मुलांना सांगू शकत नसते, तर समाजातले जे चांगले घटक आहेत म्हणजे शेजारी किंवा इतर त्यांचे नातेवाईक परिचित यांच्या माध्यमाने मुलांच्या सगळ्या घडामोडीकडे त्यांचं लक्ष पाहिजे, जेणेकरून वेळीच त्यांनी समजा ट्यूशनची माहिती दिली, दोन्ही पक्षांना बोलवून त्या बाबी सांगता येतात आणि भविष्यात होणारा गुन्ह्याचा प्रकार किंवा असामाजिक प्रकार मोठ्या प्रमाणावर आळा बसवता येईल। याद्वारे पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की या काळात पालकत्व ही बाब अत्यंत महत्वाची झालेली आहे। या शोधामध्ये हे मैत्री पुढे जात असते, त्या आवेगात ती मैत्री पुढे जात असते, त्याला कसा आळा बसवावा याची सुरुवात धरून होणं फार महत्वाचं आहे। त्यांच्याकरिता आई वडिलांनी पालकत्व कसे असावे याच्यावर विचार करण्याची गरज आहे आणि शिक्षणाच्या अभावी किंवा सामाजिक संस्काराच्या अभावी काही पालकांना ही माहिती नसेल तर समाजाची इतर संघटना आहेत जे नेहमी समाजोपयोगी कार्य करत असतात त्यांच्याकडून अशा पालकांपर्यंत पोहोचून पालकत्वाची कुठली भूमिका त्यांनी निभावावी याबाबत त्यांना मार्गदर्शन करणे सांगणे फार आवश्यक आहे असं म्हणतो। त्याकरिता सर्व जनतेनी हिंगनघाटवासियांनी हिंगनघाट तालुक्यातील सर्व नागरिकांनी, पालकांनी, शिक्षकांनी, समाजातील हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़।